जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 02802 पुरुषोत्तम सुपर फास्ट एक्सप्रेस कोविड विशेष ट्रेन की पूरी जानकारी। यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफर किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है, इसलिए लेटेस्ट समय सारिणी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन नई दिल्ली और भुवनेश्वर स्टेशन के बीच रोजाना चलती है। ट्रेन 21 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 1796 किलोमीटर की दूरी लगभग 30 घंटे में पूरी करती है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 61 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब मैं आपको कैटरिंग यानी खान पान से संबंधित जानकारी देता हूं। कोविड स्पेशल ट्रेनों में आपको किसी भी प्रकार की कैटरिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। अब मैं आपको इसके कोच कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में 1 सेकंड AC, 4 थर्ड AC, 12 स्लीपर क्लास और 2 सेकंड सीटिंग कोच लगते हैं। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले नई दिल्ली स्टेशन पर आकर रुक जाती है और रात्रि 10:25 पर रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट कानपुर सेंट्रल स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 3:55 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट फतेहपुर स्टेशन है और यहां ट्रेन 5:10 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट प्रयागराज जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 7:05 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट मिर्जापुर स्टेशन है और यहां ट्रेन 8:15 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवां हॉल्ट चुनार जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 8:45 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठवां हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 10:18 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 15 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट भभुआ रोड स्टेशन है और यहां ट्रेन 11:12 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट सासाराम जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 11:45 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नौवां हॉल्ट देहरी ऑनसोन स्टेशन है और यहां ट्रेन 12:02 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन है और यहां ट्रेन 12:17 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट गया जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 1:15 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट पहाड़पुर स्टेशन है और यहां ट्रेन 1:59 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट कोडरमा जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 2:35 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 3:55 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट पुरुलिया जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 6:20 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट टाटानगर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 8:07 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 15 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट हिजली स्टेशन है और यहां ट्रेन 10:29 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 8 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट बालेश्वर स्टेशन है और यहां ट्रेन मध्य रात्रि 12:04 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट भद्रक स्टेशन है और यहां ट्रेन 1:18 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 20वां हॉल्ट जाजपुर केंदुझर रोड स्टेशन है और यहां ट्रेन 1:56 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट कटक जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 3 बजे पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 22वां और आखिरी हॉल्ट भुवनेश्वर स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 3:45 पर पहुंचती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए किराए की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियली साइट irctc.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इन्फो। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।